Dear students, good morning. Welcome to Amir Senior Secondary School. Students, आज मैं आपको दसवीं कक्षा की हिंदी की आधुनिक काव्य के नीति के दोहे, जो हमने पिछली ऑडियो में रहीम जी के दोहे पढ़े थे, और आज हम बिहारी जी के दोहे पढ़ेंगे, जिसमें बिहारी जी ने कुछ की तुलना की है। कुछ दोहों में हमें उन्होंने जीवन से निराश ना होकर आगे बढ़ने के लिए बोला है, और कुछ चीज़ों को उन्होंने कहा है कि उनका अपना अपना स्थान होता है, और साथ में ये बताया है कि अवगुणी लोग जो हैं, अगर उनसे उनको गुणवान बोला भी जाए, लेकिन वो गुणवान नहीं बन सकते हैं। पहला दोहा है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौरात है यह पाए बौराए। कनक कनक, यहाँ पर दो कनक बोले गए हैं। पहला कनक है जिसमें जिसका मतलब है सोना, गोल्ड, और दूसरा कनक जो है उसमें गेहूं में रखा जाने वाला एक पदार्थ है, ताकि उसको कीड़ा ना लगे। एक वो नशे का पदार्थ होता है, जिसके कारण कि जो कनक है, जो गेहूं है, अनाज है, उसको कीड़ा लगने से बचाया जाता है। बिहारी जी कहते हैं कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता दिखाए, कि दोनों कनक में सौ गुना नशा होता है। अगर सोना जो है, गोल्ड हमारे पास आ जाए, तो हम उसको पाकर भी नशे का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे पास अद्भुत दौलत आ जाए तो हम नशे के आदि हो जाते हैं। उसका दौलत का नशा ही अलग होता है। और दूसरा कनक जो है, जो एक धतूरा होता है, जो गेहूं में रखा जाता है, ताकि गेहूं को कीड़ा ना लगे, गेहूं ख़राब ना हो। अगर हम उस धतूरे से नशा करते हैं, तो उसके कारण भी हम हमेशा नशे में रहते हैं। बिहारी जी कहते हैं, वह खाए बौरात है यह पाए बौराए। अगर सोना जो है, जो गोल्ड है, हमारे पास आ जाता है, उससे भी पाकर नशा हो जाता है, और धतूरा खाते हैं तो उससे भी पाकर नशा हो जाता है। कहने का भाव है कि दोनों ही नशे हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। अगर ज़्यादा दौलत आ गई है तो भी अच्छी नहीं है, अगर हमने नशा कर लिया है तो भी अच्छी नहीं है। अगला दोहा है, यही आशा अटक्यो रहे। यही आशा मतलब, यही आशा यानी कि अटक्यो मतलब अटकना, कहीं चीज़ पर अटक जाना। अति गुलाब के मूल हो इहे बहुरी बसंत ऋतु इन डारन पे फूल। इन दोहों में बिहारी जी ने हमें जीवन में कभी भी निराश ना होने पर आगे बढ़ते रहने के लिए कहा है, कि हमें हमेशा समय जो बदलता रहता है। कवि कहता है, इसी आशा के साथ, यही आशा अटके रहे हो अली गुलाब के मूल। इसी आशा के कारण अली जाने की भवरा जो है, गुलाब के आसपास मंडराता रहता है। हो इहे बहुरी बसंत ऋतु इन डारन पे फूल, कि जब फिर से बसंत आएगी तो इन डालियों पे फिर से फूल खिलेंगे, और फिर से वो भवरा उनका रस लेगा। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार है, सुख और दुख आते रहते हैं। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सोहत संग समान सो यह कहे सब लोग, पान पीक औठन बने नैनन काजर जोग। बिहारी जी कहते हैं कि सोहत संग समान सो, जिस व्यक्ति का या हर वस्तु का एक चीज़ बनी होती है, हर वस्तु का एक स्थान बना होता है कि उसे किस जगह पर रहना चाहिए। लोग यह कहे सब लोग, सभी लोग यही कहते हैं, पान पी कोठन बने, जो पान है वो होंठों को लाल करने के लिए बना है, नैनन काजर जोग, और काजल जो है वो आँखों को काला करने के लिए बना है। दोनों का अपना अपना स्थान है। हम पान को आँखों में नहीं लगा सकते और काजल को ओंठों पर नहीं लगा सकते,
इसीलिए हर वस्तु का अपना अपना एक स्थान है, एक निश्चित किया गया है। इसी तरह से ही पान की पीक के लिए होंठ बने हैं और काजल के लिए नैन बने हैं। गुनी गुनी सब कह कहे निगुनी गुनी न होत, सुनियो कहू तरु अरक तय अरक समान उदोत। ये इस दोहे में बिहारी जी ने अवगुनी व्यक्ति के बारे में बताया है। कवि कहता है कि गुनी गुनी सब के कहे, बार बार गुणहीन व्यक्ति को, अगर कोई बुरा व्यक्ति है बार बार उसको ये बोला जाए, कोई अवगुनी व्यक्ति उसको ये बोला जाए निगुनी न होत, उसको बोला जाए कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत से गुण हैं, तो निगुनी गुनी ना होत तो उस व्यक्ति में वो गुण नहीं आ जाएंगे। अगर उसको बार बार ये बोला ये बहुत अच्छा है, उसमें अवगुण हैं, वो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, वो उसमें वो गुण नहीं आएंगे। सुनियो तो कहूँ तरु अरक ते अरक समान उदोत। कभी अरक से, जो अरक का पौधा होता है, आग का पौधा होता है, तो वहाँ से कभी सूर्य की किरणें निकलती देखी हैं? आग का पौधा उसको जो है उसको सूर्य का पौधा भी माना गया, क्योंकि सूर्य का भी एक नाम आग है, आग। और जो अर्क का पौधा होता है उसको भी सूर्य का ही पौधा माना जाता है, लेकिन कभी सूर्य की किरणें उसमें से निकलती नहीं देती देखी। उसी प्रकार अगर निगुनी व्यक्ति, अगर बुरे व्यक्ति को बार बार अच्छा बोला जाए तो वो अच्छा नहीं हो जाएगा, उस वो अवगुणी व्यक्ति ही रहेगा, उसमें कोई अच्छे गुण नहीं आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन दोहों के साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम लिखिए। जो आपको मैंने इसमें बार बार आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है, इन दोहों में कनक के दो कौन से अर्थों को उजागर किया गया है। तीसरा प्रश्न है, बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है। नंबर चार, पान की पीक और काजल का कवि ने क्या बताया है। पांचवा प्रश्न है, अवगुणी व्यक्ति की तुलना किस प्रकार की गई है। छठा है, जो आपने शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पहला है अवगुणी, दूसरा ओंठ, तीसरा कनक, चौथा भी कनक है, पांचवा काजर और छठा है मादकता। इन सभी के अर्थ मैंने आपको साथ साथ दोहों में बताए हैं। आगे है लास्ट में आपका रिक्त स्थान भरे, आपने ब्लैंक से जो भरनी है, जो आपने सलात में से भरनी है, अली डैश के फूल, और दूसरी है पान पीक डैश बनी। स्टूडेंट्स, आपने ये दोहे अच्छी तरह से देख के सुनकर फिर ही आपने होमवर्क करना है, और इनको आपने अच्छी तरह से अपनी कॉपियों पे भी करना है। धन्यवाद।